आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, सस्ते फोन का नशा भी कंपनियों के लिए एक अलग ही तरह का है। चाहे वो कितने भी प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन बनाते हो, लेकिन वो इस रेंज को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में इस रेंज के फोन बनाने वाली नोकिया कंपनी अगर फोन लेके आ जाए तो कमाल ही हो जाता है। नोकिया ने सी सीरीज में 3 एंट्री लेवल स्मार्टफोन 6000 रुपए से कम की कीमत में लॉन्च कर दिए हैं। बताऊंगा कौन से तीनों फोन होने वाले हैं, कब लॉन्च होंगे और क्या क्या प्राइस रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देख चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में दोस्तों नोकिया के 3 सी सीरीज के स्मार्टफोन जो कि क्रिकेट वायरलेस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो कि आप क्रिकेट वायरलेस की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हालांकि अभी ये यूएस में मिलेंगे, बाकी ग्लोबली दूसरी कंट्रीज के लिए अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन आपको बता दूं, तीनों स्मार्टफोन सी सीरीज के होंगे, नोकिया C5ND, जबकि होगा दूसरा नोकिया C2 तावा और तीसरा होगा नोकिया C2 10N। अब ये तीनों स्मार्टफोन 6000 से नीचे और ऊपर 15000 तक की रेंज के हैं। एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम C5ND के बारे में, इस स्मार्टफोन में कंपनी क्या दे रही है। तो नोकिया C5ND मिलेगा आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले और रेजोल्यूशन होगा 720x1600 पिक्सल का। अगर हम कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा जो कि सर्कुलर सेटअप में दिया होगा फ्लैश लाइट के साथ में, जिसमें कि आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा मिलेगा आपको डेप्थ सेंसर शायद 2 मेगापिक्सल का होगा। तीनों ही फोन्स में आपको डिस्प्ले मिलेगी नोच के साथ, जहां पर मिलेगा अपना सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, साथ में प्रोसेसर होगा मीडियाटेक हीलियो P22। उसके अलावा प्राइस 13000 के आसपास इंडिया में रहने वाली है। अब आते हैं दूसरे फोन पे, यानी कि नोकिया C2 ताबा पर। इसमें मिलेगा 5.45 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसमें मिलेगा नोच के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, पीछे की तरफ मिलेगा डुअल कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, LED फ्लैश लाइट भी आपको पीछे की तरफ मिलेगी। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो मिलेगा मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोन काम करेगा, 2GB की रैम और 32GB का मिलेगा इंटरनल स्टोरेज। उसके अलावा आपको 3000 mAh की मिलेगी इस फोन में बैटरी, बाकी AI सपोर्ट भी आपको कैमरे के अंदर देखने को मिलेगा। और अब आते हैं लास्ट में तीसरे फोन, यानी कि नोकिया C2 10N पे, और इसके फीचर बिल्कुल C2 ताबा की तरह ही आपको मिलेंगे, वही प्रोसेसर, वही आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उतनी ही रैम मिलेगी, बस सिर्फ इंटरनल स्टोरेज में थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा, फ्रंट कैमरे में फर्क मिलेगा, बाकी रियर कैमरा भी डुअल मिलेगा 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का C2 ताबा की तरह, बैटरी भी 3000 mAh की ही मिलेगी आपको इसमें, उसके अलावा 10W की मिलेगी आपको चार्जिंग सपोर्ट। बस आपको ये ध्यान रखना कि इस तीसरे वाले वेरिएंट में आपको साइज डिस्प्ले का थोड़ा कम मिलेगा और आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले भी इसमें नहीं मिलेगी। बाकी तीनों फोन के प्राइस भी एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। नोकिया C5ND मिलेगा आपको 13000 रुपए में, जबकि C2 ताबा मिलेगा 8333 रुपए के आसपास प्राइस रहेगी, और लास्ट वाला नोकिया का C2 10N आपको मिलेगा 5500 रुपए के आसपास की कीमत में। इंडिया में कब तक कंपनी लेके आती है, क्योंकि इंडिया ही नोकिया की सबसे बड़ी मार्केट है अगर हम सस्ते फोन्स की बात करें, क्योंकि नोकिया फीचर फोन में इंडिया में तहलका पहले भी मचा चुका है। अब देखते हैं कि HMD ग्लोबल क्या करती है इन तीनों फोन के साथ इंडिया में लाने के ऊपर, क्या फैसला लेती है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स, साथ हो जाते हैं क्लिक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो घंटी बटन जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में आपको मिल सके। तो अपना ख्याल कीजिए, मेरे चैनल साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।